जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले आपसे ये कहा था कि आज हम कुछ नया कुछ आपको कर दिखाने वाले हैं, तो कुछ नया अब वो वक्त आ गया है जब हम आपको दिखाएं कि हम क्या कुछ नया करने जा रहे हैं। हमें आपसे जानना चाहेंगे, हम अब जो करने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक है ऐसा मैंने आपसे सुना है, लेकिन क्या है? एक्चुअली मोस्टली लास्ट टाइम मैंने सैक को किया था, तब उसको इसने कुछ राउंड नंबर 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए थे और उसको कुछ राउंड नंबर 25 के ऊपर नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड सर्टिफाइड अवार्ड्स मिले थे। तो आज हम इस ऐप को और एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे कि एक्सरे आइस, जो मेरे दादाजी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैजिशियन चंदू दी ग्रेट और मेरे फादर वंडर विजार्ड विनय कुमार, ये उन्होंने इस एक्ट ऊपर बहुत अपना नाम कमाया है, तो वही एक्ट हम आज करने वाले हैं। ये TV9 के ही हमारे लोग हैं जो इस बात को चेक करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग सैक बैग का चेक करेंगे। सर मैं इसको आपको पहनाता हूँ, आप सिर्फ बोलिए, आपको यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं सर। अब कुछ नहीं। अब ये ग्लास मेरे दादाजी इस्तेमाल करते थे, मेरे डैडी भी इस्तेमाल करते थे। इसमें उन्होंने मुझे सिखाया था कि इसके साथ तू और भी आगे कुछ कर, तो हमने वो एक ऐड ऑन दिया। मैं चाहता हूँ कि आप इसके देखें कि इसके आप आर पार के थ्रू देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आर पार? नहीं। पीछे से? नहीं। ओके, मेरा भाई नीरक्ष पीछे अगर खड़ा होगा तो प्लीज़ बैग को पुट ऑन कीजिए। अगर आपको कभी भी कोई डायरेक्शन आए, जैसे 3 से 4 डायरेक्शन एक साथ आए, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में मुझे तब इत्तला कर दीजिए, आप सब तरफ देख लीजिए। बिल्कुल। और इमेजिन कीजिए कि ये हाथ आपका विजन है कि आपको इस हाथ को डायरेक्ट कराना है मुझे इस हाथ से। मुझे आपके पास से कुछ टेंस मोमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कुछ डिफरेंस वाइब्स आ रहे हैं, क्या एक ऐसा लेन आ रहा है जहाँ पे कुछ बहुत सारे, इज इट राइट? यस, चार रास्ते क्रॉसिंग्स है जी। ओके ओके, राइट लेफ्ट, मेरे ख्याल से लेफ्ट से भी कुछ आ रहा है क्या यहाँ से? जी। अंकल आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, इस तरह की जो डेंजरस ड्राइव है कैसे आपने हमें को ट्रेन किया, क्योंकि इस तरह के ड्राइव्स बहुत रेयर देखे जा चुके हैं, क्यों या फिर हम ये कहें कि हमने आज तक देखे ही नहीं है? ब्लाइंड फोल्ड में दिस इज वन ऑफ द एक बहुत खतरनाक खेल हो सकते हैं जी, लेकिन ये जो ब्लाइंड फोल्ड है धीरे 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 इसको बढ़ाया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ खास तैयारियां, क्योंकि इस तरह से गाड़ी चलाना काफी डेंजरस हो सकता है, कुछ खास तैयारियां होती है? वैसी कुछ खास तैयारी नहीं होता है, करनी चाहिए। सी मोस्टली जादूगर के घर में जन्म ले रहे हैं। अभी जैसे स्टार्ट करने, हमें हम स्ट्रेट अवे गाड़ी में नहीं कभी बैठते, आपको पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया नंबर गेस करना पड़ता है, माइंड रीड करने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हैं जी, तो आपके अगर हम लोग 48 के ऊपर भी हाथ रखे ये गाड़ी और आसानी से चला सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे घर पर ट्राई मत कीजिए, या फिर आप इसे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि हमें जिस तरह से आप हमें के पिताजी हमें बता रहे हैं कि हमें ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है, कई सालों की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस की है, और उसके बाद अब जाकर कहीं हमें इस तरह की जो खतरनाक ड्राइव है जिसका हम एक हिस्सा बन रहे हैं, ये ड्राइव हमें अब कर रहा है। साफ तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन। क्या हम एक सेफ जगह पे पार्क कर चुके अभी? आई मस्ट से हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम जहाँ पर आप हमें लेके आए हैं फिलहाल हम वहाँ पर देख रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छी तरह से पार्क हैं। वेरी नाइस। लेकिन ये किस तरह से आपने किया? अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, आपको जो टर्न्स थे किस तरह से पता चले कि यहाँ पर मुझे राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है? नहीं, मोस्टली हमें जब भी हम कहाँ पे जाते हैं किधर भी जाते हैं, जैसे मैंने रेस ट्रैक में अपनी कार ली तो मैं बहुत प्रैक्टिस की जाती, और इस रोड पर भी मतलब मोस्टली यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करने को मिलती नहीं है, तो इंडियन मैजिशियन यू डोंट गेट ऑल द सपोर्ट एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच, मुझे इस ड्राइव में काफ़ी मज़ा आया,
गॉड ब्लेस यू, और इस तरह की एक्ट्स हम आगे भी चलकर लोगों को दिखाते रहें, और आप इसी तरह से एंटरटेन करते रहें लोगों को, और जो नए नए मकाम है वो मकाम आप हासिल करें। थैंक यू वेरी मच ट्रिप सर, और टीवी 9 वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि इस तरह के जो एक्ट्स है वो हमेशा हम हर बार उससे उनसे हम करवाते ही रहेंगे, और आपको इसी तरह से चौंकाने का मौका भी बिल्कुल हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन हरीश नेगी, संतोष नंदी और सुनील चुमर के साथ, मैं दिल्ली से टीवी 9।